सर्फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ राजनीतिक युवा और समाज सेवी विकेश मेहता मौजूद है। इन्हें परिचय की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका परिचय ही इनके समाज सेवी कार्यों से जाना जाता है। सबसे पहले आपका न्यूज 20 इंडिया चैनल में स्वागत है। आप युवा हैं, आप पॉलिटिशियन हैं और आप समाज सेवी भी हैं। आपने जैन समाज में भी कहीं बड़े पदों पर रहते हुए काम किया है और कर रहे हैं, क्या सोच रखते हैं? देखिए, आप न्यूज 20 इंडिया चैनल जो बड़ा लोकप्रिय चैनल है, आपने मुझे डिबेट में और एक विचार विमर्श में आमंत्रित किया, उसके लिए मैं तहे दिल से चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरा ये कहना है कि हम किसी भी पद पर जाएं या हम जहाँ कहीं भी रहें, छोटे बड़े पद पे पद आते और चले जाते हैं, लेकिन जीवन में आपने क्या अच्छे काम किए हैं, समाज को क्या दिया है, गरीब लोगों के आंसू कैसे पोंछे हैं, एक नीचे जो लेवल का आदमी है उसको आपने हाथ देके कैसे ऊपर लाया और उनको कैसे मुस्कुराहट दी है, ये सबसे बहुत बड़ा बात चिंतनीय होती है अपने लिए। और अभी खास करके कोरोना काल चल रहा है, इस अवसर पर तो मैं कहूँगा कि हर आदमी को समाज सेवी बनना चाहिए और मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में आज इतना दुखी लोग हैं कि हमको मदद करनी चाहिए, दिल खोल के मदद करनी चाहिए। बिल्कुल जी हाँ, आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बहुत नज़दीक हैं और आने वाले समय में वागड़ और मेवाड़ को लेकर क्या सोच रखते हैं? देखिए प्रेरणा जी, मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से 1994 में पहली बार मिला था, जब मैं मात्र 17 साल का था और वो तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं थे, मतलब उस प्रोसीजर में थे कि वो बनने वाले थे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अशोक गहलोत जी ने हमें उनसे हमने ये चीज़ सीखी कि हमें उन्होंने गांधी दर्शन से जोड़ा और खास करके राजनीति से हटकर हमको समाज सेवा करना सिखाया। और अशोक गहलोत जी के मन में ये कल्पना है कि इस वागड़ मेवाड़ इलाके का विकास हो, तो मुख्यमंत्री के हम नज़दीक वो हमको लाए। हम तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं, हमारे जो फादर हैं या हमारे दादा कभी राजनीति में नहीं रहे, लेकिन वो मुझे राजनीति में लाए तो उनको क्रेडिट जाता, तो हमारी ये जिम्मेदारी डबल हो जाती है इस इलाके के प्रति भी और उनके प्रति भी। तो हम इस वागड़ क्षेत्र में जो उनका सपना है मुख्यमंत्री जी का कि यहाँ रेल होनी चाहिए, पावर प्लांट होने चाहिए या मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, या खास करके ट्राइबल बेल्ट के जो लोग रहते हैं उनके दुख दर्द को हरण करने के लिए अच्छी अच्छी सरकारी योजना आनी चाहिए, उसके ऊपर हम मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। और विशेषकर यहाँ के चिकित्सा सुविधाएं जो बहुत आगे ले जाने का काम है वो होना चाहिए, और यहाँ जितने भी लोग रहते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, मेवाड़ में जितने भी लोग हम सब रहते हैं, वो सब अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देते हैं कि वो हमेशा हमारे इलाके के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं और हम लोगों के जरिए जो वो हम लोग जो सुझाव देते हैं उनको मानकर आगे एक अच्छा काम कर रहे हैं। जी हाँ विकेश जी, आप बहुत अच्छी जानकारी बता रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं समाज सेवा का। और हम जहाँ तक हमें पता है, हमारे आप लगातार कुछ अपना परिवार करके कोई संस्था आपका है और पिछले कई सालों से ये जनसेवा का काम कर रहे हैं, तो अब आपकी जनसेवा के द्वारा कितने लोगों का जुड़ाव हुआ है और किस किस प्रकार से आपकी जनसेवा की गई है? मैं इस अवसर पर बताना चाहूँगा कि क्रांतिकारी राष्ट्र संत तरुण सागर जी महाराज, जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो उनके मैं बचपन से संपर्क में आया और मैं समाज सेवा का काम आज से नहीं बचपन से कर रहा हूँ। बागीदोरा गौशाला को हमने वहाँ से डेवलप किया, हम वहाँ पे समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े रहे। बांसवाड़ा आके जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया तो मैं पीपुल्स फॉर एनिमल एक संस्था, उसके माध्यम से जीव दया का काम किया। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, हमने हमारी अपना परिवार एक संस्थान बनाई जो खास करके गरीब लोगों के लिए, निर्धन लोगों के लिए और खास करके दिव्यांग लोगों के लिए। मेरा 2 साल पहले जो जन्मदिन था, हम जन्मदिन कई वर्षों से केक काट के या फंक्शन करके नहीं मनाते, उसको जीव दया और दिव्यांग लोगों के लिए मनाते। हमने 1300 लोगों को नकली पांव यहाँ पर लगवाए, गरीब लोगों को। और हमारे अपना परिवार संस्था है जो पिछले कोविड में जीव दया का काम किया, हमने लाखों रुपए के बिस्किट, टोस्ट और जीव दिया कि जितने भी उनको पानी पिलाने का काम है, एक पशु पक्षी को भी हमारे इलाके में हमने भूखा नहीं मरने दिया, ऐसा सब टीम बनाकर हमने काम किया और जनता ने हमारा साथ दिया। इस कोविड काल में हमने खासकर जब ऑक्सीजन हमारे लिए एक प्राणवायु बनकर आया हुआ है, तो उस समय ऑक्सीजन रेगुलेटर, इसके उपकरण और लोगों को बेड दिलवाना, अपनी पहचान से दूसरे शहरों में उनको स्थापित करना, एम्बुलेंस करके भेजना, उनके लिए दवाइयों का इंतजाम करना, ऐसे कई काम अपना परिवार संस्थान कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आह्वान करना चाहूँगा कि आप हमें सहयोग करिए और जितना हो सके घर बैठकर कोविड की गाइडलाइन का पालन करके घर बैठे वो भी हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम अपना परिवार के माध्यम से अधिक लोगों की जान बचा सके। ये काम हमारी संस्था अभी कर रही है। बिल्कुल, आपकी संस्था पिछले कई सालों से ये काम कर रही है, दिव्यांगों को पेड़ लगाने हैं, जीव दया है,
तो अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है, वागड़ क्षेत्र को लेकर किस प्रकार की जो प्लानिंग चल रही है आपके जहन में और क्या जन्म ले रही है उसके बारे में बताइए। अभी कोरोना काल है, अभी सब लोगों का व्यापार भी खत्म हुआ है, काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई हैं और काफ़ी परेशानी हमारे यहाँ ये कोरोना की दूसरी लहर में वापस आ गई, क्योंकि ये पिछले साल से चल रहा है। जैसे ही कोरोना खत्म होगा हम चाहेंगे कि युवाओं को रोजगार मिले, ऐसी कोई योजनाएँ मिला, व्यापारियों को कोई अच्छे लोन मिल जाए, उनका व्यापार वापस खड़ा हो जाए। और खासकर इस इलाके में इतनी प्राकृतिक संपदा है, यहाँ पर हमारे पास में चाचा कोटा, हमारा माई डैम, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, अंधेश्वर का मंदिर, हमारा मानगढ़ का ऐतिहासिक धाम, अर्तुना के प्राचीन टेम्पल, और इतने छोटे छोटे और बड़े बड़े यहाँ पे झरने, झोला प्रताप है। हम मुख्यमंत्री जी से यहाँ से एक मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा इलाके को उदयपुर में कितने पर्यटक आते हैं ये सब खत्म हो जाए, कोविड का सामान्य जब स्थिति हो जाए तो हमारा बांसवाड़ा इलाका है जो पर्यटन सर्किट से जुड़े, यहाँ पर्यटन आए, यहाँ पे विकास कार्य हो। और यहाँ पर जितनी मैंने जो अभी पुरानी योजनाएं बताई कि जितनी बंद पड़ी हुई रेलवे की, बिजली घरों की और दूसरी अच्छे अच्छे काम हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ लगे और यहाँ के लोगों के चेहरों पर एक सुकून हो, एक मुस्कुराहट हो, जो बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं, हम सपने के रूप में देखते हैं कि हमारे यहाँ पे ये चीजें नहीं है, लेकिन वो चीजें हमारे यहाँ स्थापित हो और हर आदमी यहाँ का खुश रहे, प्रसन्न चित रहे और यहाँ की प्रगति हो। बिल्कुल, इस महामारी के दौर में जब अपने अपनों का साथ नहीं देते हैं, ऐसे वक्त में आपकी संस्था आम जन के लिए मदद करती है, तो इसमें आपको कैसी ऊर्जा मिलती है? देखिए, मैं बचपन से मुझे एक विशेष ईश्वर का आशीर्वाद मिला कि मैं बड़े बड़े साधु संतों के उनके चरणों में जाता रहता हूँ, चाहे वो किसी भी समाज के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मुझे पता चल गया कि अच्छे संत हैं या अच्छे व्यक्ति हैं या बड़े अच्छे उद्योगपति हैं, राजनेता हैं या वो ऐसी हस्ती है जिन्होंने अच्छा काम किया, तो मैं वहाँ सीखता रहता हूँ निरंतर। और आज मेरी उम्र 40 साल की हो गई, लेकिन मैं ये सीखना बंद नहीं करता हूँ, मैं गुरुदेव के चरणों में जाता रहता हूँ, सब संतों का मुझे आशीर्वाद मिलता है, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, वो मुझे मार्गदर्शन देते हैं। और खासकर मैं इस माध्यम से युवा साथियों को कहना चाहूँगा, मुझे कई लोग कहते हैं, मैं जब बचपन में युवा था तब, और बचपन में भी छोटा था तब भी, और आज भी लोग कहते हैं कि समाज सेवा का तो काम रिटायरमेंट के बाद का है या जब अपन बुजुर्ग हो जाते तो खाली टाइम पर। मैं कहना चाहूँगा कि हाथ पैर चल रहे हो और जब इंसान स्वस्थ है और कर सकता है और दौड़ सकता है तब समाज सेवा करनी चाहिए, बुजुर्ग होने के तो करनी ही करनी है। लेकिन मैं खासकर युवाओं को और स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आज ये समय है कि हम समाज सेवा को अब हाथ में ले लें, इस देश को बचाना, इस प्रदेश को बचाना और हमारे इलाके को बचाना है तो समाज सेवा को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, जहाँ छोटी छोटी मदद करें। और अंतिम बात कहना चाहूंगा कि अपने पास में चार रोटियां हैं और चार रोटियों में से हम किसी पशु पक्षी को एक रोटी अगर परोस देंगे, किसी गाय को या किसी निर्धन आदमी को, अपने पास में अगर पांच बिस्किट के पैकेट है और अपने घर के लिए लाए और एक बिस्किट का पैकेट उसके हाथ में दे देंगे और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी, उससे बड़ा पुण्य का काम हमारे जीवन में कोई हो नहीं सकता है। यह सबसे बड़ा पुण्य का काम है जो ईश्वर में के पास जो बैंक है उसमें हमारा पुण्य का संचय वहां पर होगा। जिस तरह से हमारे खास मेहमान विकेश मेहता ने बताया कि जब से उन्होंने होश संभाला है उन्होंने समाज सेवा का काम किया, और युवाओं को भी यही संदेश दे रहे हैं कि अब आप भी आगे आओ और इस सेवा में साथ दो, निश्चित तौर पर जन सेवा का कार्य निरंतर जारी रहेगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ खास मुलाकात के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 20 इंडिया। नमस्कार।